आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत भावुक महसूस कर रहा हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो पंजाब के लोगों ने जितना प्यार दिया, अभूतपूर्व प्यार दिया, इतने वोट दिए, इतने वोट दिए, इतनी सीटें दी, सारे पुराने नेताओं को हरा दिया। एक तो वो कारण है और दूसरा कारण जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया है पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में मान साहब तो उसी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली। मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फोन कॉल आए कि सर आज मैं भी टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहां गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसास था पंजाब के लोगों को। जिस तरह से जितने ये बड़े बड़े पुराने मंत्री संतरी हुआ करते थे उनकी सिक्योरिटी हटा के और वो सिक्योरिटी जनता के लिए लगा दी गई, वो पुलिस वाले जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए, वो सारे व्हीकल जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए। जो अक्टूबर के अंदर फसलें बर्बाद हुई थी उन फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला था और सरकार बनते ही एक दो दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया और अब मुझे बताया गया कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नहीं कहूंगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है वो, एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी, किसी का आया जी मेरा ढाबा चलता है और पहले यहाँ पे हमारा लोकल कोई वो आया करता था पुलिस वाला, खाना खाता था, पैसे नहीं देता था, अब तो वो पैसे देने लग गया। अपने आप से कितना सुधार होने लग गया है केवल ये 1-2 दिन के ऐलान से। और कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, बहुत शानदार ऐलान है। आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब के अंदर रोजगार की है। इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, लोगों को हमसे उम्मीद थी, लोगों को ये लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों की विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहेगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। एक तरफ आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आपने ओथ भी ले ली, हमारी सरकार भी बन गई, हमारे मंत्री भी बन गए, इतने सारे काम भी कर दिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही, अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं, काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें ही नहीं बन पा रही। कैबिनेट में जो जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी
मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों की, समय कम है। अभी अभी मान साहब ने कहा कि 70 साल खराब कर दिए हम लोगों ने, 75 साल हो गए आज़ादी को, 75 साल हमने खराब कर दिए, अब टाइम कम है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। मैं पहले दिन का मान साहब का भाषण सुन रहा था जब उन्होंने सारे MLAs को कहा था कि चंडीगढ़ में मत बैठना, बहुत सही कहा था। होता क्या है कि जब हम मन जब बन जाते हैं तो फिर ये घोड़ा गाड़ी बंगला इसकी आदत पड़ जाती है, ये बहुत बुरी आदत है। चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं बैठना। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक MLA, हमारी पार्टी का एक एक मंत्री लगातार 24 घंटे जनता के बीच में घूमेगा, गलियों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, पिंड में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है, इस बार एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी, अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। पंजाब की तरक्की के लिए जरूरी है ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूं आपको गाइड करने के लिए, लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। अगर कोई मंत्री बना तो वो मंत्री की जिम्मेदारी है, वो कोई बड़ा वो नहीं है, पद नहीं है। किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। जो जिम्मेदारी मिले, जो भगवंत मान आपको जिम्मेदारी दें, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी पंजाब की आगे तरक्की होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से, मैं तो इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा डीप में गया था, एक एक कैंडिडेट को मैं जानता हूं, आप में से सब लोगों को मैं जानता हूं। 90-95% आप में से लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़े थे। कभी जिंदगी में सोचा था MLA बनोगे? नहीं सोचा था। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा था कि आपको टिकट मिल गई, आप MLA बन गए, लोगों का इतना प्यार मिल गया। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी, कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं MLA बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप MLA रहते
अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना, ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। ये हमारे से पहले वाले जो थे उनको भी ऐसे लगता था कि वो तो पैदायशी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, वो तो पैदायशी मंत्री बनने के लिए आए हैं। 2 मिनट लगे, जनता ने सारों को साफ कर दिया। ऐसा ना कर देना कि अगली बार जनता हमें साफ करने के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसा करना है कि जनता जिंदगी भर हमारे को प्यार करे, हमें जनता का दिल जीतना है। लोगों के अगर काम कराने हो तो आप जरूर अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाना। लोगों के लिए काम कराने हो लोगों के, तो आप जरूर अपने मंत्रियों से मिलने जाना। लेकिन किसी अपने हलके के डीसी और एसपी और थानेदार की पोस्टिंग कराने मत जाना। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से एसपी की पोस्टिंग कराई और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे, वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हलके के पोस्ट एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे, मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार 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 अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे, भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको एक मौका देंगे, दो मौका देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। जनता ने बहुत भरोसा किया है, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकते। बेईमानी मत करना, और कुछ भी कर लेना, बेईमानी मत करना और जनता के साथ बदतमीजी मत करना। अभी मान साहब ने भी इसका जिक्र किया, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे हमारे कई एमएलए साथी विधायक लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं इधर उधर। बहुत अच्छी बात है, मुझे बेहद खुशी है। आप लोग अस्पताल में जा रहे हो, लोकल स्कूल में जा रहे हो, लोकल तहसीलदार के दफ्तर में जा रहे हो, जाओ, खूब जाओ, बहुत अच्छी बात है, यही करना है अपने को। एक ही चीज का ध्यान रखो, बदतमीजी मत करो। मैंने एक देखा, एक बंदा किसी थानेदार को कह रहा है तेनु उल्ट पुट्ठा टांग देंगा। ये भाषा हमें शोभा नहीं देती। ये कहने की क्या जरूरत है? अब तो तुम विधायक बन गए, अब तो मुख्यमंत्री तुम्हारा है, अब तो मंत्री तुम्हारे हैं, तुम चाहो तो 2 मिनट में उनको पुट्ठा टांग सकते हो। जिस दिन टांगने की, अब तो तुम्हारे पास कलम की ताकत है, कलम की ताकत से कुछ भी कर सकते हो, कहने की क्या जरूरत है? अपने मुंह से हमें सबकी इज्जत करनी है, सबकी इज्जत करनी है, विरोधियों की भी इज्जत करनी है, विपक्षियों की भी इज्जत करनी है, सारे कर्मचारियों की इज्जत करनी है। और ये कर्मचारी दोषी नहीं है, कोई डॉक्टर दोषी नहीं है सरकारी अस्पताल का, सरकारी स्कूल का कोई टीचर दोषी नहीं है,
अभी तक सिस्टम ही ऐसा था, सारा सिस्टम खराब था। दिल्ली का उदाहरण देता हूं, दिल्ली में हमारी सरकार बनी उसके पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। यहां पे कहते थे कि सरकारी टीचर तो आलसी होते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, टीचर आती हैं और पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं, खूब कहते थे। हमने आने के बाद इन सारे टीचरों को इज्जत दी, सारे डॉक्टरों को इज्जत दी, सरकारी स्कूल के अस्पतालों के डॉक्टरों को टीचरों को इज्जत दी, और आज इन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, सिस्टम बदल गया। हमें पंजाब में इन्हीं के साथ मिलके, सरकारी स्कूल के टीचरों के साथ मिलके, पंजाब पुलिस के साथ मिलके, डॉक्टरों के साथ मिलके, तहसीलदार के साथ मिलके, सबके साथ मिलके सिस्टम बदलना है। आप देख रहे हो ना, इतनी सारी सोशल मीडिया पे आ रही है कि सिस्टम ऑलरेडी बदलना चालू हो गया, तहसीलदार ने ऑलरेडी सिस्टम बदल दिया, पैसे लेना बंद कर दिया, इधर उधर सबने पैसे लेने, सिस्टम बदलना है अपने को, सबको जाके कोई भी सबको जाके हाथ जोड़ के बात करनी है अपने कि भाई साहब जमाना बदल गया, अब आप भी बदल जाओ बस। अगर कोई गलत काम कर रहा है, आपके कहने के बाद भी गलत काम कर रहा है, मुख्यमंत्री को जाके बोलो, जो एक्शन लेना होगा लेंगे, अपने मुंह से कुछ नहीं गलत शब्द बोलने, वो बहुत जरूरी है, सबको साथ लेके चलना है। इस बार अपने को इतना प्यार मिला है पंजाब की जनता से, मेरे को पता चला कई दूसरी पार्टियों के नेता उनके घर में उनकी बीवियों ने और उनके बच्चों ने हमको वोट पाई है, सोच सकते हो। हमें 5 साल के अंदर लोगों का इतना दिल जीतना है, 3 करोड़ पंजाबियों का दिल जीतना है कि अगली बार इनको एक भी वोट नहीं पड़नी चाहिए। अभी तो इनके बच्चों ने और बीवियों ने डाली, अगली बार इनके वोट भी हम ही पड़ेंगे। अपने को ऐसा माहौल तैयार करना है। मैं अंत में सभी पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये इनकलाब लाने के लिए, सभी हमारे वॉलंटियर्स को, बहुत मेहनत की हमारे वॉलंटियर्स ने, रात दिन एक कर दिया बिना किसी ख्वाहिश के, निस्वार्थ भाव से पंजाब के लिए, उन सभी वॉलंटियर्स को मैं सलाम करता हूँ। मैं मान साहब को और सभी विधायकों को जो जो जीते हैं उन सबको, विधायकों को मैं बधाई देता हूँ इस शानदार जीत के लिए। मान साहब ने इतना शानदार नेतृत्व किया पंजाब का प्रधान होते हुए, उनको बधाई देता हूँ। जरनैल सिंह जी जो पंजाब के प्रभारी थे, उन्होंने बहुत शानदार प्रभारी का पद संभाला, उन्हें बधाई देता हूँ। राघव चड्ढा जी जिन्होंने पूरे पंजाब कैंपेन के अंदर सह प्रभारी का बहुत अच्छा काम किया, उन्हें बधाई देता हूँ। और अंत में अगर मैं डॉक्टर संदीप पाठक को बधाई और शुक्रिया नहीं दूंगा तो कुछ कमी रह जाएगी। उन्होंने पीठ पीछे रह के जिस तरह से शानदार संगठन तैयार किया, शानदार कैंपेन डिज़ाइन किए, शानदार पूरा पंजाब का कैंपेन संभाला, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर हम सब मिलके पंजाब को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।